आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी और हमारे आदरणीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ साथ पूरे केंद्रीय नेतृत्व को मैं आभार देना चाहती हूँ कि मदन जी जैसे संगठन के एक कर्मठ सेवाभावी संस्कारी और सरल ईमानदार कार्यकर्ता को देश के सबसे बड़े प्रदेश यात्रा मुझे मदन जी पर भरोसा है और आपने सुना होगा हमारे प्रधानमंत्री जी का मंत्र सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और हमें पशु नहीं है उन लोग सबका साथ सबका विकास सबका और सबका ये जो टीम है ये मदन जी के हाथ में सौंपने का काम उन्होंने किया है। मैं विश्वास करती हूँ कि ये टीम को आगे बढ़ाने का काम वो करेंगे और सबको साथ लेकर आगे बढ़ाने का काम बहुत मुश्किल काम है और बहुत सारे लोग फेल भी हुए हैं, परंतु मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि मुझे विश्वास है इस काम को आप पूरी तरह से लगकर जमीन पे डालने की कोशिश नहीं परंतु अच्छी तरह से अपना कार्य के निभाने का काम करेंगे। इस अवसर पर मैं हमारे निवर्तमान अध्यक्ष माननीय श्री जोशी जी को बधाई भी देना चाहूंगी और हम सब की ओर से बहुत सारे धन्यवाद भी देना चाहूंगी। ये मुश्किल काम को उन्होंने कई सालों तक निभाया और सफलतापूर्वक उसको जमीन पर डाके अपने काम का निर्वहन करने का प्रयास में सक्सेसफुली उसको जमीन के डाने का काम किया। आपको हम सब की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मदन जी ने मेरे साथ काम किया भी है, मैं उनकी कार्यशैली को समझती भी हूँ जानती भी हूँ। ये धैर्यवान और कर्मठ कार्यकर्ता है, अगर धैर्यवान नहीं होते तो इतने दिन तक पार्टी के ऊपर विश्वास करकर मेहनत करके हाथ बढ़ाने का काम नहीं करते। आज आप राज्यसभा के मेंबर ही नहीं हो परंतु उसके साथ साथ सबसे बड़े प्रदेश इस देश के राजस्थान के आज अध्यक्ष भी बन चुके। ये उसी धैर्य का काम उसी धैर्य का परिणाम कि आज इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको मिली। राजनीति के अंदर हमें कुछ ये भी राजनीति के का दूसरा नाम जो है ना वो है उतार चढ़ाव। आज हर व्यक्ति को उनकी दौर में से गुजरना पड़ता है और हर व्यक्ति के समक्ष जब इस चीजों के बारे में सोचता है तो तीन चीज ध्यान में आने की जरूरत नहीं है। ये तीन चीज का बड़ा होता है मर्म और कर्म। ये तीन चीज है जिसके ऊपर अपने सबको ध्यान देने की जरूरत है। आप तो जानते हैं कि पाप और मर्म ये तो स्थाई है नहीं, परंतु एक ही चीज है अब वो कर्म। जो अगर आप अच्छा काम करते हो तो उस काम को लोग याद करते हैं और कर्म आपके साथ ही रहता है। मैं इसलिए आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी कि यदि पद का मद हो जाता है तो उसका कम तो कर्म तो होता है तो कम तो नहीं जाता है। आज के दौर में यह होता रहता है परंतु मैं जानती हूं कि वो आपके सामने आज एक ऐसे कार्यकर्ता है जो कभी पद का मद नहीं करेगा और आप लोगों को शराबों पर लेकर आगे चलाने की बात करने में कोई चोट असर नहीं छोड़ेगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.